नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 फरवरी। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े ताजा समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही आप क्रिकेट की खबरों से भी रूबरू होते रहेंगे। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अमीनों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हुआ सख्त। अब विधानसभा के तर्ज पर हर पंचायत में होंगे सवाल जवाब। बिहार के कामगारों को विदेश में नहीं होगी दिक्कत। बिहार के अब इस जिले में बनेगा एक और टाइगर रिजर्व, मिल गई स्वीकृति। सुदूर ग्रामीण इलाके में डॉक्टर की भूमिका में होगी ANM। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ने सीनियर रेजिडेंट के कुल मिलाकर 166 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, C&FM, डर्मेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ENT, FMT, माइक्रोबायोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, ऑर्थोपीडियाक्स, ऑप्थेमोलॉजी, ऑब्स्ट्रियाटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, PMR, पीडियाट्रिक्स, फिजियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक होना चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में MD, MS, DNB, DM, MCH, MSc, PhD, MDS की डिग्री होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हुआ सख्त। बिहार के अंचलों में पदस्थापित संविदा अमीन द्वारा सरजमीनी सेवाओं की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र देकर वैसे अमीन जिनका जनवरी में कोई काम नहीं किया गया है उनका ही वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद ही अब ऐसे अमीनों को उनके अंचलाधिकारियों के जरिए 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण पूछने और नियमानुसार कार्रवाई कर उसकी जानकारी विभाग को देने के लिए कहा गया है। फिलहाल 42 अमीनों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित जिलाधिकारी को पत्र दे दिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बाबू देवकी नंदन खत्री की। बाबू देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 को शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भी पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास में सबका मन मोह लिया था। इस किताब का रसा स्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी तक सीखी थी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलस्म अय्यर और अय्यारी जैसे शब्द को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने हिंदी पाठक उन्होंने यानी कि बाबू देवकी नंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए थे। अब विधानसभा के तर्ज पर हर पंचायत में होंगे सवाल जवाब। लोकसभा और विधानसभा की ही तरह पंचायतों में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कई नियम लागू होने वाले हैं। विधानसभा में जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से जवाब दिया जाता है, अब वही प्रक्रिया पंचायतों में शुरू की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसको लेकर अब आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायत की होने वाली बैठकों में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब जो बात कही जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज के माध्यम से चल रही योजनाओं के संबंध में प्रतिनिधि सवाल करेंगे, जिसका लिखित में उत्तर उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में पंचायत के प्रतिनिधि यह जान सकेंगे कि उनके यहाँ चल रही योजनाओं की क्या स्थिति है। अगर कोई लंबित योजना है तो उसके बारे में वो भी जान सकेंगे। जल्द गरीबों के लिए बनेंगे बहुमंजिला भवन। शहरों में रहने वाले बेघर गरीब भूमिहीनों के आवासन के लिए जल्द ही बहुमंजिला भवन बनाने की तैयारी होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग को कार्य योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इसको लेकर हाल ही में सीएम नीतीश ने अपने एक अणे मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास से संबंधित समीक्षा बैठक की थी और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिया था। इसी दौरान उन्होंने साफ किया है कि बिहार के सभी शहरी बेघर गरीब भूमिहीनों के लिए हम लोगों ने बहुमंजिला भवन निर्माण की योजना बनाई है।
शहरों में पेट्रोलिंग के लिए बनेगी पुलिस की नई बीट। बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस अब और ज्यादा एडवांस होने वाली है, क्योंकि बिहार के शहरों में रात्रि गश्ती के लिए नए सिरे से बीट तय की जाएगी। साथ ही इसके लिए प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का दायित्व भी तय किया जाएगा। जिला अनुमंडल मुख्यालय वाले शहर के साथ प्रमुख बाजार में इस पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस के सभी प्रभागों की समन्वय समिति की बैठक की और इसकी अध्यक्षता करते हुए यह आदेश जारी किया है। ज्ञात हो पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में पुलिसिंग से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई और अफसरों को टास्क भी सौंपा गया है। बिहार के कामगारों को विदेश में नहीं होगी दिक्कत। आने वाले दिनों में बिहार के कामगारों को विदेश में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनकी मदद के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाना है, जो कि श्रम संसाधन विभाग जल्द ही इसको जारी कर देगा, जिसके माध्यम से बिहार के लोगों को विदेश में मिलने वाली नौकरी से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही विदेश में काम के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर भी इस नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकेगी। इसकी जानकारी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने खुद दी है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत विदेश जाने वाले मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कई जिलों में विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में समुद्र पार योजना के तहत विभाग उन तमाम मजदूरों का डेटा रखेगा जो कि विदेश में काम करते हैं। बिहार के लोगों को अभी और झेलनी है ठंड की मार। बिहार में ठंड की मार का सामना कर रहे लोगों को बारिश की मार भी और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में पूर्वी हवा का प्रवाह बंद हो गया है। पूर्वी हवा की जगह अब पछुआ हवा चलने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पर्वतीय राज्यों से आ रही उत्तर पछुआ हवा से राजधानी पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस मौसम में वो सतर्क और सावधान रहे। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। यदि खुले में हो तो यथाशीघ्र पक्के मकान में शरण ले लें और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की सलाह भी विभाग की तरफ से दी गई है। बिहार के अब इस जिले में बनेगा एक और टाइगर रिजर्व, मिल गई स्वीकृति। पूरी दुनिया में विलुप्त हो रहे बाघ के लिए बिहार आने वाले दिनों में सबसे सटीक ठिकाना बनने वाला है, क्योंकि बिहार में बाघों के संरक्षण के लिए बिहार सरकार भी एक के बाद एक कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि चंपारण के इलाके में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। इसी के साथ बिहार के ही एक और हिस्से कैमूर की पहाड़ी पर भी बाघों की आबादी बढ़ने वाली है। इस योजना को काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे। हाल ही के सालों में भी इस पहाड़ी पर एक बाघ के चिन्ह मिले थे। अब बिहार सरकार की यही कोशिश है कि इस इलाके को भी टाइगर रिजर्व के तौर पर विकसित किया जाए। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी है। हालांकि सैद्धांतिक मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि राज्य सरकार कोर और बफर का परिसीमन और प्रस्तावित स्थल के आसपास के गांव के बारे में विस्तृत प्रस्ताव पहले प्रस्तुत करेगी। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की भूमिका में होगी एएनएम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रही है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में तैनात एएनएम अब सुदूर ग्रामीण इलाकों में अहम भूमिका निभाने वाली है, जिसके तहत ही ये सब एएनएम अब अपने पास मरीजों के स्वास्थ्य जांच के उपकरणों से लैस होने वाली है और बीमार मरीजों की पहचान करेंगी। इतना ही नहीं, ये सभी अब मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बुखार से ग्रसित मरीज सहित अन्य मरीजों को नजदीकी अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के पास जाने के लिए प्रेरित करेंगी। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाने का निर्णय लिया है। 14 मार्च से शुरू होगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत जिन नियोजन इकाइयों में अब तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है, उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही अब 14 से 16 मार्च तक काउंसलिंग की तारीख निर्धारित की गई है। इस काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने स्केड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब 33 प्रखंडों की 365 नियोजन इकाइयों में ये काउंसलिंग कराई जानी है। घोषित स्केड्यूल के मुताबिक प्रखंड नियोजन इकाई में 14 मार्च को कक्षा 6 से 8 तक के संवर्ग के लिए और 15 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के संवर्ग के अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। वहीं पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग 16 मार्च को होगी। ये काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कराई जानी है। पंचायत
राज्यों की योजनाओं का चयन कर ई ग्राम पोर्टल पर सूची होगी अपलोड। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही गांव की सरकार का गठन भी हो गया है। इसके बाद से ही आम सभा के माध्यम से योजनाओं को चयनित करने का काम भी किया जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार नवगठित त्रिस्तरीय पंचायत राज में सबकी योजना सबका विकास अभियान 2022-23 के तहत लोगों की भागीदारी में समग्र समावेशी योजनाओं को पंचायतों में ग्राम सभा से चयन कर सूची को 15 फरवरी तक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसको लेकर कार्यशाला आयोजित कर कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग से अनुदान राशि के उपयोग के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के तहत राशि खर्च की जाएगी, वहीं मापी पुस्तिका के आधार पर ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। पटना में भूमि राजस्व विभाग के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीते दिन राजधानी पटना में भूमि राजस्व विभाग के अभ्यर्थियों ने खूब प्रदर्शन किया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन सभी अभ्यर्थियों ने विभाग में कई पदों पर ज्वाइनिंग की मांग को लेकर ये हंगामा किया, जिसके तहत ही ये सभी अभ्यर्थी बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के पास भी पहुंच गए थे और हंगामा करते देखे गए। जिसके बाद ही पहले तो पुलिस ने सभी को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं समझे और अपने हंगामे को उन्होंने जारी रखा तो पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। साथ ही साथ नहीं मान रहे अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए अंत में लाठीचार्ज का सहारा लेते देखे गए, जिसके बाद ही राजधानी पटना में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की उम्मीदों को लगेंगे पंख। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की उम्मीद एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है, जिसका निर्माण भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल के ठीक बगल में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ही उच्च स्तरीय टीम निरीक्षण के लिए भागलपुर पहुंच गई है। इस टीम में भारत सरकार के अपर मुख्य सचिव पी के सिंह के साथ यूजीसी के संयुक्त सचिव निदेशक गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर आदि इसमें शामिल है। टीम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन को अधिकृत किया गया था। इसको लेकर बीते दिनों ही टीम देर शाम को भागलपुर परिसदन पहुंच गई थी। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान, ये प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। ये स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यहीं उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म भी हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण साल 1735 में रानी पद्मावती ने करवाया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां साल भर पहुंचते रहते हैं। कैबिनेट के 17 मंत्रियों का पूरा हुआ एक साल, सिर्फ दो ने ही दिया लेखा जोखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2020 नवंबर में शपथ लेने के बाद दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार हाल ही में किया था। इस दौरान कैबिनेट विस्तार में 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ तो ली थी। भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन, जदयू के संजय झा समेत कुल 17 नेता नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे। इन सभी मंत्रियों ने अब अपना साल भर का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 17 में से दो मंत्रियों ने नई पहल की है, दोनों ने एक साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया। अब 15 ऐसे मंत्री बच गए हैं जिन्होंने अपने काम का हिसाब नहीं दिया है। वैसे हिसाब देना कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन दो मंत्रियों द्वारा साल भर का लेखा जोखा देने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बचे हुए मंत्री भी अपना हिसाब किताब जनता के सामने रखेंगे या नहीं, ये आने वाले समय पर ही हालांकि पता चलेगा। बिहार सरकार ने सभी डीएम से मांगी मंदिरों की जानकारी। बिहार सरकार ने सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को उनके जिलों के रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मंदिर और धर्मशालाओं की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है। 38 जिलों के मजिस्ट्रेट को 2 महीने में मंदिर और धर्मशालाओं के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को जानकारी देनी है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के चेयरमैन अखिलेश कुमार जैन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 9 संभाग में जानकारी मिलने के बाद धार्मिक न्यास परिषद अपंजीकृत मंदिरों और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकृत कराने के लिए कहेगी। इसको लेकर आज वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई गई है। बिहार की यात्रा पर निकलेंगे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। लंबे समय के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। अपनी बिहार यात्रा के दौरान आरसीपी सिंह एनडीए सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों के बारे में जनता को जानकारी देंगे। बता दें कि आरसीपी सिंह के आवास पर आयोजित दावत में उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि बिहार में अभी और काम करने की जरूरत है। राज्य के अंदर युवाओं के बीच उद्योग धंधों को लेकर के भूमि पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के युवा दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, खुद में रोजगार पैदा करने की जरूरत है।
राजद एनएसी की तरफ से पटना के प्रत्याशी होंगे ये, बाकी उम्मीदवारों के नाम इस तारीख को होंगे जारी। बिहार में पटना में राबड़ी आवास पर राजद के विधायकों और पार्षदों की बैठक बीते दिन आयोजित की गई। इस बैठक में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार को एमएलसी की दावेदारी दी गई। बता दें कि कार्तिकेय कुमार को पटना सीट का उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि एमएलसी के बाकी उम्मीदवारों की घोषणा अब 13 तारीख को होने वाली है। इसी दिन राजद इन सब की घोषणा करेगा। आपको यह भी बता दें कि पटना सीट पर एमएलसी के लिए रीतलाल यादव के भाई और अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार की दावेदारी चली है। इसमें अनंत सिंह ने बाजी मार ली है और उनके खासम खास कार्तिकेय कुमार को टिकट फाइनल दे दिया गया है। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि 13 तारीख को राजद के सभी सीटों की घोषणा होने वाली है। इसमें किन किन नामों को शामिल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बीते दिन विशेष राज्य के दर्जे के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठुकराना बिहार को ठुकराने के समान है। बिहार विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें सभी दलों की रजामंदी थी। हैरानी की बात यह है कि फिर भी इस मांग को ठुकराया जा रहा है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पहले भी थी और आगे भी रहेगी। भाजपा कहती है कि सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो सरकार नियम में बदलाव करे, ये उनकी समस्या है, उनको नया कानून और नियम बताना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना हुए 100 साल हो गए हैं, आज इसकी बहुत जरूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ केंद्र और बिहार में है। 15 फरवरी को बिहार बचाओ मार्च करेंगे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिन अपनी मां के साथ राजधानी पटना पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि 15 फरवरी को उनकी पार्टी की तरफ से राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें उनके परिवार के लोग भी साथ होंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान चिराग ने कहा कि यदि मार्च के दौरान पहली लाठी चलेगी तो वो चिराग पासवान अपने सिर पर लेंगे। हालांकि चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही शक्तियों का प्रयोग कर लिया है, उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ दिया, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग कर दिया, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीएम मोदी के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया सीएम नीतीश की तारीफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए उन्हें एक समाजवादी नेता बताया था, जो विपक्षी दलों को तो एक आंख नहीं भाया लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बहुत खुश हुए थे। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की तारीफ के पुल बांध दिए, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बताया। ये बात बिल्कुल सही कही है। नीतीश कुमार ने समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है। उन्हें परिवारवाद से कोई संबंध नहीं है। भाजपा और जदयू में कोई दूरी नहीं है, दोनों दल एक है, हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने 1928 में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। भारत ने 12 फरवरी 1975 को खुद को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया था। बिहार में 1999 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2009 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की। बिहार में 1999 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह का निधन हुआ था। रोहित की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्ट इंडीज के सामने 266 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37.1 ओवर में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 टॉप स्कोरर रहे। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। दीपक चहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जिसके बाद 39 साल में पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। आईफा अवार्ड 2022 हुआ पोस्टपोन। कोरोना के मामलों में देश भर में गिरावट जारी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आ रहे दैनिक मामले अभी भी चिंता बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए आईफा अवार्ड 2022 को स्थगित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईफा का 22वां संस्करण इस साल मार्च में होने वाला था। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फंक्शन को 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। अभी अवार्ड शो इस साल मई में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि सिने प्रेमियों को आईफा अवार्ड शो का बेसब्री से इंतजार रहता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब आईफा का 22वां संस्करण 20 और 21 मई 2022 को आयोजित किया जाएगा। ये समारोह अबू धाबी में होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंजू देवी, रिजवाना अहमद, बबीता यादव, महासेठ माइकल, सुशील यादव, प्रेम सिंह, मीना कुमारी, रविलाल यादव, प्रकाश कुमार, गजेंद्र सिंह, रवि
कुमार, राजीव कुमार, गणेश पीडी यादव, रंजन कुमार, गौतम सिंह, शिव कुमार पासवान, सोनम कुमारी, गौतम कुमार, रणधीर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।